नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC247 में। दोस्तों, हमने कल बात की थी भारत निर्वाचन आयोग की, हमने निर्वाचन के संबंध में ही बात की थी कल भी, और आज बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में डिफरेंस यही है कि वो भारत के संबंध संपूर्ण भारत के लिए निर्वाचन करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के निकाय एवं पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन करता है। तो आज हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य में जो पंचायतों में चुनाव होते हैं, पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनका चुनाव, साथ में जो नगर निगम निकाय का यहाँ पर तात्पर्य है कि नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, तो इन सब का चुनाव जो है जो निकाय स्तर पर होते हैं इनके चुनाव का निर्धारण या इनके चुनाव का संचालन और नियंत्रण कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243(2) के तहत प्रत्येक राज्य में, जितने भी राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई, जिसके तहत ये निकाय, ये संगठन, ये संस्थाएं या ये आयोग राज्य में हो रहे पंचायतों के चुनाव एवं निकायों के चुनाव का संचालन, उनका नियंत्रण, निर्देशन और चुनाव से संबंधित समस्त कार्यप्रणाली का निर्धारण इसी आयोग के द्वारा किया जाएगा। देखिए, इसके अनुच्छेद एक बात करें, इसका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243(k) के तहत इसमें कहा गया है कि राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका गठन किया जाएगा, और गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जो राज्यपाल होगा वो राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन करेगा और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। इसके तहत मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1994 को, बहुत महत्वपूर्ण, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। सदस्य संख्या की बात करें अगर, तो इसमें सदस्य संख्या का कोई जिक्र नहीं है ना, ये एक सदस्य या बहुसदस्यी राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना सदस्य रखना चाहता है या फिर एक सदस्य में ही काम चला लेगा। तो अपने यहाँ का जो सिस्टम है उसमें अभी देखें तो वर्तमान में हमारे यहाँ एक सचिव होता है जो कि उसके प्रशासनिक कार्यों को देखता है, लेकिन एक है। अपने यहाँ वर्तमान में अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय संस्थान है, तो एक सदस्यीय संस्थान है। इनके कार्यकाल 65 वर्ष का रहेगा। हटाए जाने की बात करें तो इसे उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में, जो कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समय प्रयुक्त होती है ना। तो जो प्रक्रिया निर्वाचन आयुक्त के लिए वही प्रक्रिया होगी जो कि उच्च न्यायालय है राज्य का उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया का यहाँ भी अनुपालन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें अगर, तो राज्य निर्वाचन आयोग, तभी आप लास्ट टाइम MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन था कि इनमें से कौन नहीं है, तो अब चार नाम दे देता है, इसलिए हमें सभी का नाम कम से कम मध्य प्रदेश के संबंध में तो याद ही होना चाहिए। तो अभी तक के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से रहे, प्रथम कौन थे NB लोहानी सर, प्रथम निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, NB लोहानी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आए श्री गोपाल शरण शुक्ला जी, तृतीय नंबर पर आए आदित्य विजय सिंह, चतुर्थ में अजीत रायजादा साहब, पंचम में आर परशुराम और षष्ठम में सी BP सिंह साहब, जो कि हमारे, आप लोगों को कमेंट में बताइएगा कि BP सिंह साहब किस पद पर थे निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त के पूर्व, ये किस पद पर सुशोभित थे, ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद बात करें तो सचिव के बारे में पूछ सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रथम सचिव कौन था, तो प्रथम सचिव थे श्री प्रकाश चंद्र। तो प्रथम निर्वाचन सचिव कौन था राज्य का, श्री प्रकाश चंद्र। इसके बाद बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान सचिव है अपने राज्य निर्वाचन की श्री दुर्ग विजय सिंह। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं कार्यों की,
इसके वही कार्य हैं जो कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग के हैं। देखिए वहाँ भी जो कार्य होते हैं चुनाव का कार्य है, यहाँ भी चुनाव का कार्य है। तो चुनाव को निष्पक्षतापूर्ण स्वतंत्र तरीके से गुणवत्ता युक्त गुणवत्ता के साथ एवं लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, जो कि पंचायत और निकायों में चुनाव के समय प्रयुक्त होते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य में जो भी चुनाव होंगे उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो राज्य के चुनाव हों वो कैसे हों, निष्पक्ष हों, है ना, पक्षपातपूर्ण ना हो, साथ में स्वतंत्र हो, कोई व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाए, है ना, साथ में ईवीएम में किसी प्रकार की धांधली ना हो, उपयुक्त कर्मचारी उन्हें प्राप्त हो जिससे कि वो निर्वाचन को अच्छे तरीके से लागू कर सकें। इसके बाद बात करें अगर तो इनमें इनकी अभी चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों में बात करें तो हम बात देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग भी आचार संहिता या कुछ नियम बनाता है जिसके तहत चुनाव प्रक्रिया का आसानी से संचालन किया जा सके, परंतु उसमें चुनौतियां ये देखने को मिलती है कि इसका प्रभावपूर्ण तरीके से पालन नहीं किया जाता। पालन न करने के कारण ये भी है दोस्तों कि जो सदस्य चुनाव लड़ रहे होते हैं उनमें उनको ये पता है कि इनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे निर्वाचन को रद्द कर दे या शून्य कर दे, है ना। तो सरकार को चाहिए कि इनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करे जिससे इन्हें स्वतंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें और पूर्ण रूप से न्यायिक शक्ति भी प्रदान कर दें जिससे कि ये चुनाव को अधिक निष्पक्षता से कर सकें, है ना। अभी क्या होता है अगर कुछ भी धांधली वगैरह देखने को मिलती है तो कुछ क्षेत्र विशेष के संबंध में ही प्रक्रिया का पालन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की त्रुटि की है चुनाव के संबंध में तो उस व्यक्ति का निर्वाचन सदस्यता ही रद्द कर दी जाए, है ना। तो ये रहे इसके कार्य, और वर्तमान में इसकी चुनौतियां भी यही है कि देखो आजकल अपराधी वगैरह बहुत ज्यादा चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तो चुनाव आयोग के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए राज्य चुनाव आयोग की, साथ में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे प्रावधानों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि जो लोग हैं जो सदस्य बन रहे हैं पंचायत के नगरीय निकायों के वो लोगों का अच्छे तरीके से, है ना, जबकि विकास के लिए देखो विकास करना है तो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत तो जरूरी है, है ना। तो इस वजह से हमें ऐसे नियमों को लाना चाहिए जिससे कि योग्य व्यक्ति ही वहां तक पहुंचे और जिससे कि देश का, हमारे समाज का, हमारे आसपास, हमारे राज्य का विकास हो सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको इसमें से कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे।